न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने रहस्यमय किरदार की बदौलत सुर्खियों में रहने वाले मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी भले ही अपनी मांगों, मुद्दों और सियासी पैतरबाजियों से अपनी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके ही क्षेत्र में ग्रामीणों ने उनके और उनके बेटे की राह में रोड़ा अटका दिया। ग्रामीणों ने विधायक और उनके प्रत्याशी बेटे की राह रोक दी है और मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ये मामला मैहर जनपद पंचायत के वार्ड नंबर 1 सेनवारी का है, जहां मतदाताओं का गुस्सा रास्ते पर आ गया। सोनवारी के मतदाताओं ने गांव में प्रवेश के रास्ते बंद कर दिए हैं। सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ मतदान के बहिष्कार तक का ऐलान करके पोस्टर टांग दिया है। बताया जाता है कि मैहर जनपद के इस वार्ड से विधायक नारायण त्रिपाठी के पुत्र विकास त्रिपाठी बिज्जू अपना राजनीतिक डेब्यू करने चुनावी मैदान में उतरे हैं। विकास इस वार्ड से प्रत्याशी हैं, जिन्हें जिताने के लिए नारायण भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। मगर सोनवारी में स्कूल टोला से हरी टोला में लोग बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेलने के कारण चुनावी दौर में वोट मांगने के लिए प्रत्याशियों का आवागमन बंद कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक नारायण त्रिपाठी को सोनवारी की बदहाली की जानकारी है, लेकिन उन्होंने अपने वर्षों के कार्यकाल में जब अब तक इसकी सुध नहीं ली तो उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और नए वादे पर हम क्यों भरोसा करें, जब उन्होंने पुराने वादे ही पूरे नहीं किए। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक ने इतने वर्षों में आखिर ये क्यों नहीं सोचा कि यहाँ इस बदहाल रास्ते से ग्रामीण कैसे आते जाते होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट जी, फोर न्यूज। नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, नंबर वार्ड से बहिष्कार है वोट का। हाय हाय।